गिरनार इंडिया में गुजरात स्टेट में जूनागढ़ शहर में ये माउंट है। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज करेंगे हम इसकी परिक्रमा। ये परिक्रमा सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट की जाती है। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ये परिक्रमा क्यों करते हैं, इसकी महत्व क्या है और ये कहाँ से शुरू की जाती है। हमारे सफर की शुरुआत हुई मुंबई से। मुंबई से जूनागढ़ का सफर 15 से 16 घंटे का है। मॉर्निंग को पहुंच गए हम जूनागढ़ स्टेशन। जूनागढ़ स्टेशन से गिरनार की दूरी 15 से 20 मिनट की है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करके हम पहुंचे गिरनार माउंट। गिरनार नजदीक आया है, इसका अनुभव इन लोगों को देख के हो रहा है। ये सारे लोग गिरनार परिक्रमा में ही निकले हैं। ये है गिरनार का भावनाथ मंदिर। यहाँ शंकर भगवान के लिंग की पूजा की जाती है और यही से शुरू होती है पवित्र गिरनार की परिक्रमा। गिरनार हम पहुंचे सुबह 5:30 बजे, तो दिगंबर जैन मंदिर में हमने एक रूम लिया और फ्रेश होके निकले गिरनार परिक्रमा के लिए। जय गिरनार। दिगंबर जैन मंदिर जहां हम रुके थे वहां से परिक्रमा का गेट एकदम से नजदीक है। गिरनार परिक्रमा 36 किलोमीटर की है। भावनाथ मंदिर से जीना बाबा मढ़ी तक 12 किलोमीटर, जीना बाबा मढ़ी से मालवेला 8 किलोमीटर और मालवेला से भोर देवी टेम्पल 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर भोर देवी से भावनाथ मंदिर। ऐसी मान्यता है कि हर साल कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में शंकर भगवान और माता पार्वती सारे देवी देवताओं के साथ इस जंगल में वास करते हैं। ये परिक्रमा कर हमें उन सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये पूरी परिक्रमा जंगल से होती है। ऐसे कई जानवर हमें दिखाई देंगे, मगर भक्ति से और श्रद्धा से अगर ये परिक्रमा करें तो ये सारे जानवर हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये रास्ता कहीं कठिनाइयों से भरा हुआ है, मगर इस जंगल की सुकून और शांति हमें अपने आप को मिलाने में मदद करती है।
सुकून और शांति, फ्रेश एयर और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इसका अनुभव लेते लेते हम आगे बढ़ रहे थे। हर पड़ाव में अप एंड डाउन है, जितना चढ़ते हो उतना ही उतरना पड़ता है, इसीलिए हर एक पड़ाव को चोटी के नाम से कहा जाता है। जब एक चोटी चढ़ते हैं तो गिरनार का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जंगल से चलते चलते ये रास्ता ऐसे नदी और झरनों से गुजरता है। अब हम पहुंच गए हैं मारवेला। यहाँ तक हमने 24 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ काली माँ का मंदिर है, उनके आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ गए। अब शुरू हुआ हमारी मंजिल का आखिरी पड़ाव और जल्दी हम पहुंचने वाले थे भोर देवी टेम्पल।
भोर देवी माँ की दर्शन के बाद यह रास्ता बचता है 8 किलोमीटर का, जो ले जाता है हमें एग्जिट गेट तक। दिन ढल रहा था, शाम के 7:30 बज चुके थे। हमने ये परिक्रमा शुरू की 7:30 और खत्म की 7:30। एक दिन में ये परिक्रमा पूरी हुई। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी गिरनार पर्वत के दर्शन। गिरनार पर्वत कैसे चढ़ते हैं, ऊपर कौन कौन से मंदिर है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड नमस्ते।